আমার কি বার আছে এবার दोस्तों नमस्कार। आज नवरात्र का आठवां दिन है और हम लोग जा रहे हैं पांडेपुर मार्केट में घूमने के लिए। और हमारे साथ देखिए किशन भाई है जो कि भी तैयारी कर रहे हैं जाने का। और ये देखिए राहुल भाई है जो कि हैंडसम मुंडा है और तैयार हो गया, अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब चलते हैं हम लोग पंडाल की तरफ और उधर का नज़ारा दिखाते हैं क्या क्या है। हम लोग पहाड़िया से पांडेपुर की तरफ पैदल ही जाएंगे। अब भैया जी भी आ चुके हैं, साथ में जुड़ चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे एक साथ। और राहुल ताला वाला बंद कर रहा है रूम का, बहुत रूम का ख्याल रखता है यही। अबे बंद बंद करके अब निकलेंगे, आप भी बंद कर। ये भाई भी देखिए बंद कर रहे हैं, विनय भाई फिर ताला खोल दिया, आपका घट गया, मसाला ले रहा है बनाने के लिए दे रहा है बगल में। देख सकते हैं यहाँ से पांडेपुर चौराहा 300 मीटर की दूरी है यहाँ। और आ चुके हैं हम काली माता मंदिर के पास और यहाँ पर भंडारा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ उड़ है। और इस भंडारे में हम लोग भी खाना वाना खाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है सब्जी और पूड़ी का। और ये राहुल कितना हाली हाली खा रहा है पेट भर के, देख सकते हैं आप। और चौराहे पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा जाम है पांडेपुर चौराहे पे। और इस भीड़ से आगे अब हम लोग निकलते हैं और चलेंगे फर्स्ट पंडाल की तरफ। अब फर्स्ट पंडाल चौराहे से थोड़ा सा आगे देख सकते हैं लायंस सोसाइटी का पंडाल है, बहुत ही अच्छा है। सड़क के बीचों बीच बना है, दोनों तरफ सड़क है। यहाँ बच्चों के झूले झूलने का और कूदने का भी है, देख सकते हैं सर्कल वाला झूला है और यहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं। बाकी नाव झूला भी है यहाँ पे, नाव झूला में है, बगल में एक और नाव झूला है देख सकते हैं, इस दिखाते हैं अगल। हाँ बगल वाले नाव झूला में बड़े बड़े लड़के लड़कियाँ देख सकते हैं भूसा की तरफ भर रहे हैं, इसमें वेट नहीं कर पा रहे हैं, झूलेंगे इसमें। बाकी देख सकते हैं भीड़ तो यहाँ बहुत है, रिंग वाला ये भी झूला है, राउंड वाला सर्कल वाला। इससे आगे हम लोग अब चलेंगे पुलिस लाइन की तरफ, वहाँ पुलिस लाइन चल के दिखाएंगे। जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना इंटरेस्टिंग होगा। ये देख सकते हैं पांडेपुर का पुराना मंदिर है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए हम लोग पुलिस लाइन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है सूजी का, जो कि हलवा हलवा है। हम लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करेंगे फिर उसके बाद अर्दली बाज़ार की तरफ चलेंगे। उधर बहुत ही बड़े बड़े पंडाल हैं, उधर का पंडाल हम लोग दिखाएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग प्रसाद यहाँ से ले लिए, अब लेने जा रहे हैं, मतलब ले रहे हैं प्रसाद वरसाद ले के, अब यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। तो अब हम अर्दली बाज़ार देखे पहुँच गए हैं, ये अर्दली बाज़ार का फर्स्ट पंडाल है पुलिस लाइन की तरफ जाने पर। और यहाँ पे हॉस्पिटल का एकदम रूप इस पंडाल को दिया गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव पंडाल है लग रहा, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका हॉस्पिटल पंडाल नेम ही है। और एम्बुलेंस एम्बुलेंस का देखिए बहुत ही अच्छा कलाकारी की गई है यहाँ पे। और देख सकते हैं अब रोड पे निकलेंगे हम लोग, तो ये अर्दली बाज़ार पुलिस चौकी के यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए अर्दली बाज़ार का है बिग मार्ट है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग के लिए भीड़ उड़ होता है। और देख सकते हैं बिग मार्ट के सामने वाले रास्ते पर बहुत ही शानदार पंडाल लगा है, यहाँ पर डांस वंस भी हो रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ का पंडाल है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डांस वंस हो रहा है अच्छा खासा। तो चलते हैं अब अगले पंडाल की तरफ, ये देख सकते हैं हमारे यूपी किसान, हमारे बनारस किसान ओलंपिक विजेताओं के नाम ये पंडाल बना है ओलंपिक के ही आधार पर। तो यह पंडाल बहुत ही अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो झालर वालर लगा है, झालर वाले यहाँ पे लगा है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाते हैं हम। तिरंगे में यहाँ का झालर जल रहा है, देख सकते हैं आप तिरंगे के आकार में झालर कितना ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। अब आप देख सकते हैं
बहुत ही, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़। हम लोग तो अंदर जा नहीं पाए क्योंकि 500 मीटर लगभग लंबी लाइन थी, तो उतना लंबी लाइन हम लोग अंदर कैसे जाएं, समय भी कम था। तो फिर भी नज़दीक से लेने का पूरा प्रयास किए हैं। बहुत ही अच्छा पंडाल यहाँ का था, बहुत ही अट्रैक्टिव, खासकर युवाओं के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव था। ओलंपिक विजेताओं खेल के प्रति जागरूक करता हुआ पंडाल बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब चलते हैं हम लोग अगले पंडाल की तरफ। हम लोग चलेंगे अरवली बाजार के, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि आ गए हैं हम अरदली बाज़ार के सबसे लास्ट वाले पंडाल की तरफ। ये भी पंडाल बहुत ही शानदार, बहुत ही, इसका जो लाइटिंग था बहुत दूर तक था, लगभग 500 मीटर तक इसकी लाइटिंग थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं पुराना मंदिर है अरदली बाज़ार का, जिसपे ये पंडाल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे लगाया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये माँ लिखा गया है आगे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो देख पा रहे हैं कि जो पंडाल है बहुत ही अट्रैक्टिव है, माँ वर्ड ही ऐसा वर्ड है कि अट्रैक्टिव बना देता है। तो देख पा रहे हैं अब हम आ गए शिवपुर। शिवपुर का ये पंडाल है बहुत ही बढ़िया था। देख सकते हैं आप यहाँ पे एकदम, और इस पंडाल को केदारनाथ पंडाल नाम दिया गया था, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था। देख सकते हैं माता की मूर्ति कैसे बाहर निकल रही, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही यहाँ का जो सुंदरता है सजावट की, बहुत ही अच्छी है, वास्तव में बहुत ही अच्छा यहाँ पर सजावट हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कितना बहुत ही, तो यहाँ पे अच्छा खासा घूमने लायक था, यहाँ का भी पंडाल बहुत अच्छा था। तो अब चलेंगे हम लोग इधर से रिटर्न लेंगे घर की तरफ। तो माँ भी रोते, बोजू भी रोते हुए घर की तरफ लौटेंगे, मतलब रूम पे हम लोग। तो देख सकते हैं आ गए हम लोग महावीर मंदिर की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। इसलिए अब बाय बाय, गुड बाय, टाटा।